अंदर की आवाज को कैसे मतलब जगाना चाहिए सर? आपको जिंदगी में कुछ करने में अच्छा लगता है? सर ये समझ ही नहीं आता, हर चीज अच्छी लगती, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। लेकिन कोई तो चीज ऐसी होगी जो करने में जब आप खो जाते हो पूरी तरीके से? सर सोने में। सोने सोते रहो। जागने से रिलेटेड और कोई गलत काम नहीं, सही काम। सबको पता है अंदर से सही काम क्या है, गलत काम क्या है। कहीं आपको पैग लगाने में वो नहीं, सही काम करने में। कोई ऐसा काम है आपकी लाइफ में? कुछ तो होगा सर। विजन ही क्लियर नहीं हो पा रहा ना माइंड में कि करना क्या चाहता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जो खेलने में आपको बहुत मजा आता है? सर क्रिकेट। बहुत मजा आता है? बहुत मजा आता है। अगर क्रिकेट खेलते खेलते ही आपको एक छोटी सी अकेडमी खोलनी है बच्चों के लिए, तो कौन रोक रहा है आपको क्रिकेट खेलने की अकेडमी? मेरे मम्मी पापा। आपका भगवान ही मालिक है। बाहर देखना छोड़ दो, अंदर देखना शुरू कर दो। दूसरों पे ब्लेम डालना बंद कर दो, मम्मी पापा पे, दुनिया पे, इस पे उस पे। खुद के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आगे बढ़ो। एक बात ना अच्छे तरीके से समझ लो, आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके लिए नहीं है, सबके लिए है, कि आप चाहे कुछ करो या ना करो, आप सोते रहो पूरे दिन, 24 घंटे में से 20 घंटे सोते रहो, उल्टे सीधे काम करते रहो, पी करके कहीं पर लेट जाओ सड़क के साइड में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लाइफ या तो आपकी बनेगी या आपकी खराब होगी। सबसे पहले इस चीज को समझना है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। मैं कुछ नहीं कर सकता इस देश से कोई भी बुराई को हटाने के लिए, जब तक कि वो आदमी खुद ना करे। और यही मेरे इन सेशंस का मोटिव है कि आपको जगाना। मैं जागा अपनी जिंदगी में, मैंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैंने अपने साथ में कुछ कमिटमेंट्स किए, उन कमिटमेंट्स को पूरा किया, जिस वजह से मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, जिस वजह से मैं खुशी से बढ़ता चला जा रहा हूं, उस खुशी को मैं एक्सप्रेस करता चला जा रहा हूं। सक्सेस और फेलियर मेरे लिए मैटर नहीं करती। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो तो करना क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके किसी और पर नहीं डालना कि माँ बाप की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से नहीं कर पा रहा, दुनिया की वजह से नहीं कर पा रहा। All you have to do is you need to dig very very deep. जब आपके अंदर एक डिजायर आएगा कि मुझे जानना है भाई कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे में यूनिक क्या है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, ऐसा क्या काम है जो मैं कर सकता हूं, आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आप चाह रहे हो कोई और आकर के आपको ये जवाब दे दे, कोई नहीं देगा। जवाब सारे आपके अंदर है, आपकी सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। जो काम आप करना चाहते हो आपके अंदर है, इंटरेस्ट आपका अंदर है, पैशन आपका अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, सब कुछ जो भी आप बनना चाहते हो सब आपके अंदर है, छुपा हुआ है। उसको ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, अपना ध्यान जो बेकार की जगहों पर जा रहा है वहां से कुछ देर के लिए हटाना हो। आप समझ गए, मतलब सो तो दुनिया रही है, इस दुनिया में 80% से ज्यादा लोग सो रहे हैं। अगर आपको उस 20% में आना है तो आपको जागना है। जागना है या नहीं जागना है यह चॉइस आपकी है, इस चॉइस को आपसे कोई नहीं ले सकता। और इसके लिए मैं एक सिंपल सी आपको टेक्निक बताता हूं, सिंपल सी। देखो हो क्या रहा है, हम माइंड से ही माइंड को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। माइंड इज एक्सट्रीमली पावरफुल। अगर आपको जीतना है तो आपको माइंड से बड़ी कोई पावर चाहिए, अ पावर विच इज बिगर देन माइंड। व्हाट इज दैट पावर? दैट इज जस्ट बीइंग प्रेजेंट, दैट इज साइलेंस। अगर आपको समझना है या कुछ भी जानना है तो वो कब जान पाओगे, जब दिमाग थोड़ी देर के लिए बंद होगा। एंड आई विल गिव यू अ स्मॉल डेमो ऑफ दिस। अभी हम यहां पर हैं, अगले कुछ सेकंड्स के लिए ना आप कुछ बोलोगे ना मैं कुछ बोलूंगा, आपका पूरा ध्यान सिर्फ मेरी तरफ, मेरा ध्यान आपकी तरफ, सिर्फ देखना है।
दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. जब आप थॉट से घिरे हुए हो तब आपका जो पोटेंशियल है आपके माइंड का वो ऑलमोस्ट 0% है. ऑलमोस्ट 0%, बिल्कुल ऐसा है जैसे आप दलदल में फंसे हुए हो. चारों तरफ से आप जितनी कोशिश कर रहे हो निकलने की उतना ही अंदर धंसते चले जा रहे हो. आपने क्या किया कुछ देर के लिए? रुकना सीखा. अगर आप रुक करके मुझे देख पाए कुछ सेकंड्स के लिए भी, सिर्फ 2 सेकंड के लिए भी, तो सोचो अगर इसकी आप अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने लग जाओ तो क्या आप रुक करके ये नहीं देख सकते कि मेरे अंदर चल क्या रहा है? कितना कंट्रोल होगा आपका अपने ऊपर, सोचो. अपनी नजर जो बाहर है ना उसको अंदर मोड़ना है. एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है इस सोसाइटी में, इस दुनिया में, जो बहुत कम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अहमदाबाद में मेरा सेशन था, वहां पर मेरा एक फ्रेंड आया हुआ. उसमें मैंने बात करी थी गुस्से को कंट्रोल करने की, कि अपने एंगर को कैसे मैनेज किया जाए, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए. तो जब बाहर हम जा करके गाड़ी में बैठे तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई कुछ समझ आया? कहता यार गड़बड़ हो गई, मैं अपनी वाइफ को नहीं लेकर के आया. कितनी छोटी सी बात है लेकिन देखो इसके पीछे कितना बड़ा मैसेज छुपा हुआ है. वो पूरे टाइम ये सोच रहा था कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स उसकी वाइफ में है, उसमें नहीं है. सोचो, मतलब वो ये सोच रहा है कि जब मेरी वाइफ बदल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है. आपको इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदलना है, कुछ भी नहीं बदलना है. मैं दोबारा बोलूंगा, कुछ भी नहीं बदलना है, सिर्फ खुद को बदलना है. आप बदल गए अंदर से, पूरी तरह से बदल गए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा. मेरा क्या होता है, बड़े से भी बड़ा डिसीजन है तो आई हैव टू टेक इट इन सेकंड्स. कुछ भी है, इनफैक्ट आपने भी नोट किया होगा, जो भी आपकी लाइफ के बड़े डिसीजन है, सो कॉल्ड बड़े डिसीजन, वो जल्दी होते हैं या टाइम लगता है उसमें? जल्दी होते हैं, टाइम नहीं लगता. और ज्यादा सोच करके जो आप करते हो ज्यादातर क्या होता है उसके वॉट लगती है ना बाद में. जब हमको किसी चीज के बारे में क्लियर पता होता है तो क्या वहां पर टाइम लगता है डिसीजन लेने? नहीं लगता. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब मैं ये सेशंस कर रहा हूं तो देर आर पीपल हु आर कमिंग विद ऑल काइंड ऑफ ऑफर्स, कि भाई आपको ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं. देर आर एंटरप्रेन्योर, देर आर पॉलिटिशियन, देर आर दिस एंड दैट, ये वो. तो उन लोगों के लिए मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे लिख के लगा दिया है. तो उसको मैं दूर से ही नमस्ते कर देता हूँ, भाई साहब आई एम नॉट इंटरेस्टेड. तो सामने से बंदा बोलेगा, मेरा ऑफर है 1 करोड़ का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. 10 करोड़ का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. 100 करोड़ का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. समझे कितना टाइम लगा मेरे को सोच के बोलने में? कोई और होगा बंदा सोच में पड़ जाएगा, 1 करोड़ में तो बोलेगा नहीं नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड. 10 करोड़, ओह 1 मिनट मुझे डिस्कस करना पड़ेगा. 100 करोड़, अरे करो ना, क्या करना है. देख रहे हो कितनी जल्दी डिसीजन होता है अगर हमारा माइंड क्लियर होता है. तो भाई तेरा कोई भी ऑफर है तो कुछ भी सोच करके आ रहा है. नॉट इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? नॉट इंटरेस्टेड. और मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ से, वो भी बिल्कुल क्लियर है. वंस यू आर क्लियर अबाउट इट तो डिसीजंस सेकंड में होते हैं, बड़े फास्ट हो जाते हैं. और वो सारे डिसीजन सही होते हैं, गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि सही और गलत है क्या? इट्स ओनली फ्रॉम योर ओन स्टैंड पॉइंट. हो सकता है आप एक डिसीजन ले रहे हो जो पूरी दुनिया को सही लग रहा है, लेकिन आपको वहां पर जाकर के खुद सही नहीं लग रहा है, तो क्या वो डिसीजन सही है गलत है? मैं से रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो जितने कम हो गए हैं आपके अंदर, उतना ही समझ लो आप सही ट्रैक पे बढ़ रहे हो. और जितने आपके अंदर मैं से रिलेटेड थॉट्स आते हैं सुबह से रात तक, समझ जाओ उतना ही आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं. क्यों? औरों के थॉट्स हमको नहीं बांधते हैं. जैसे यहां पे लाइट है, लाइट को मैं देख रहा हूं, लाइट यहां पर मैं कहीं जाकर फंस रहा हूं ना जी, मैं कैसा लग रहा हूं, ये जो हरकत मैंने करी इससे मैं लड़की तो नहीं लग रहा हूं, ये हाथ ऐसे कौन लड़का हिलाता है, ये क्या है? समझे? फंस गया. मैं इतनी मेहनत करके एक सेशन कर रहा हूं, किसी ने देखा ही नहीं तो मेरा क्या हो, लोग देख करके ये तो नहीं कहेंगे क्या बेकार सेशन है ये? समझे? यहां फंसता है ना आदमी जाकर के. और ये थॉट्स अगर हमारे अंदर से गायब हो जाए या कम हो जाए, उतना ही नेचर के पास में है. यही तो बच्चों के साथ होता है, दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस.
सो मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है, मैं ऐसे पूरी तरह से मुक्त हो जाऊं। अब ये पूरे यूनिवर्स में और आप में कोई फर्क ही नहीं है। खुद को ऐसे देखो कि मतलब अपनी जो प्रॉब्लम है ना उसको ऐसे देखो, मेरा एक फुद्दू सा दोस्त है वो फंसा हुआ है चिंदी चीजों में, मैं देखता हूँ क्या है, बताओ भाई क्या कहाँ फंसा हुआ है। अब लोगों के सामने मत करने लग जाना है, अरे आपके पागल होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी जाएगी ना अकेले में, मतलब अपने माइंड के अंदर, हाँ बता कहाँ फंसा हुआ है, अच्छा ये है इसमें क्या है, ये कर लेना। कभी एक चीज़ नोट करी है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप जाके अपने किसी दोस्त से डिस्कस करते हो, वो कितनी जल्दी आपसे पीछा छुड़ाता है, यार मैं बड़ा कन्फ्यूज हूँ, मैं ये करूँ ये करूँ, ये कर लेना मेरा सर मत खा, होता है नहीं होता है, ऐसी साइड हो जाओ अपनी प्रॉब्लम से, कर लेना क्या फर्क पड़ता है, रिलेशनशिप में हूँ उसके साथ में, ब्रेकअप हो जाएगा क्या फर्क पड़ता है, साथ रहेंगे क्या फर्क पड़ता है, साथ रहेंगे कौन सा कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, अलग हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। और एक्चुअल में आप ऐसे ही हो, दोगुले हो मतलब दुनिया में किसी के साथ में कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, खुद के साथ में कुछ हो जाए नहीं नहीं बड़ा फर्क पड़ता है जी, हाँ मेरी उंगली पे खरोच भी आ जाए बड़ा फर्क पड़ता है, उसके साथ वाले का हाथ कट गया है क्या फर्क पड़ता है, क्यों रो रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है, वहां पे हम लेक्चर दे रहे हैं, खुद के हल्के से उसमें रो रहे हैं बैठ करके, एक घोचुओं की निशानी है।